नमस्ते दोस्तों, जय श्री बालाजी। आज हम जा रहे हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो हम रवाना हो चुके हैं पैदल ही। बस स्टैंड तक पैदल जाएंगे और बस स्टैंड पहुंचने के बाद हमने यहाँ थोड़ी सी देर बस का इंतज़ार किया कि बस आ गई, और बस में बैठने के बाद पता ही नहीं चला कि कब बालाजी धाम हम पहुँच गए। ये देखिए, ये बालाजी महाराज का मंदिर है, इच्छापूर्ण बालाजी महाराज का मंदिर, जो राजस्थान में चुरू ज़िले में सरदार शहर तहसील में पड़ता है। और ये रतनगढ़ से सरदार शहर जाने वाली रोड के ऊपर है, मेगा हाईवे पर बिल्कुल ऑन रोड है, कहीं पर भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। और ये देखिए मंदिर का बाहरी स्थल, जहाँ से हमने प्रसाद भी ले ली। काफ़ी सारी दुकानें हैं मिठाइयों की और बहुत सारी। ये देखिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ शेर और बहुत ही बढ़िया मूर्तियां उकेरी गई है। काफ़ी बड़ा परिसर है मंदिर का, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और ये गणेश जी, चूहा और वृषभ एक स्तंभ पर उकेरे गए, और ये टाट की दरी बिछाई हुई है, क्योंकि राजस्थान में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी धूप होती है, तो धूप में ये पत्थर तप जाते हैं, पांव भी नीचे रख नहीं सकते, इसलिए मंदिर वालों ने ये इस तरह की दरी पट्टी चारों तरफ बिछा रखी है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से दर्शन कर सके। हम मंदिर के सामने आ गए हैं, ये मुख्य मंदिर, आकर्षण का केंद्र, यहाँ की मूर्तियाँ और राजा की भांति विराजे हनुमान जी। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर राजा की तरह विराजमान है बालाजी महाराज। कहते हैं यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। बालाजी महाराज, इच्छापूर्ण बालाजी के दरवाजे पर जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूरी होती है। यहाँ आकर सब दुख दुख तकलीफ दूर हो जाती है, मन को बहुत ही शांति सुकून मिलता है। ये बंदर कहते हैं पहले इसी क्षेत्र पर रहता था, और फिर इसी के कारण ये मंदिर की स्थापना भी हुई। ये सालासर बालाजी की मूर्ति रजतमय, और पीछे यहाँ पर राम परिवार, गणेश परिवार, राम सीता लक्ष्मण, इनकी भी मूर्तियाँ हैं चांदी से बनी हुई। बहुत ही भव्य मंदिर ये बालाजी महाराज के। और ये जो हमें पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, ये है इच्छा पूर्ति करने वाले जो नारियल बांधते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, उनका पहाड़। और ये एक पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बच्चे भी आए हुए हैं किसी स्कूल के। और ये देखिए कितना भव्य मंदिर, द्रविड़ शैली में बना है, दक्षिण भारतीय कलाकृतियाँ। ये कुबेर जी महाराज का मंदिर, दान पात्र। और ये देखिए बिल्कुल एक महाराज की भांति इच्छापूर्ण बालाजी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और पास ही राम सीता, इनकी भी मूर्तियां हैं। कितना भव्य दरबार! मुझे यहाँ के पुजारियों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये 2400 घंटे बाबा के सेवा में इनके चरणों के आगे रहते हैं, दिन रात बाबा की सेवा में रत। हमने भी यहाँ पर दर्शन किए बाबा के, और अपनी मनोकामना भी बाबा से प्रकट की, बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। ये देखिए बहुत ही शानदार भव्य मंदिर, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। जब मैं आज से 20-22 साल पहले बीड करती थी, तब ये मंदिर निर्माणाधीन था, उस समय भी हम आकर गए थे, लेकिन उस समय ये मंदिर का काम चल रहा था। और एक बार बीच में पहले भी मजा के आई थी, लेकिन अब की बार मैंने सारा वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश की।
ये यहाँ पर पास ही है शिव परिवार, शिव जी, गणेश जी, पार्वती की, कार्तिकेय की मूर्ति, शिवलिंग भी विराजमान है। और ये ऊपर जो दो हैं झूमर होते हैं अमूमन, लेकिन ये झूमर नहीं है, ये छत में ही कुछ बहुत ही शानदार कारीगरी का नमूना कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हमने बैठकर थोड़ी देर भगवान का स्मरण किया और प्रसाद ग्रहण की। और आकर्षण का केंद्र इस मंदिर में ये ऊपर बने हुए दो झूमर, और यहाँ से हमने प्रसाद ग्रहण करने के बाद मंदिर परिसर से हम आ रहे हैं बाहर। और ये मंदिर के बाहरी भाग का दृश्य है। ये जो खंभे हैं इन पर बहुत ही बढ़िया दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली में, द्रव्य शैली में मूर्तियां उकेरी गई है। ये यहाँ पर मन्नत का धागा और नारियल बंधे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर नारियल बांधते हैं। बाबा इन सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। और ये मंदिर का बाहरी भाग बहुत ही भव्य, और ये है यहाँ का शानदार बगीचा जहाँ पर लोग बैठकर विश्राम करते हैं। और ये है फ्रांस का पौधा जो मैंने यहाँ पर पहली बार इस तरह से कटिंग की हुई देखा। दूर से ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ इच्छा पूर्ति के नारियल। और ये भारी दृश्य है, ये बगीचा, ये शानदार फ्रांस के पेड़ जिनको कटिंग करके ये देखिए क्या सुंदर शेप दे रखी है। ये बाबा का धुना जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है, लोग यहाँ से भभूति का तिलक निकाल रहे हैं, हमने भी यहाँ से तिलक किया। और ये साइड का एक और बगीचा है, यहाँ घूमकर मैं वापस आ रही हूँ। यहाँ मंदिर परिसर में आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता, इतना सुकून मिलता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ या पौराणिक शैली में किया गया है। मंदिर में मूर्तियों और खंभों पर जो चित्र उत्कीर्ण है वो देखने लायक है। इस मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति भी है, और इसका जो मुख्य वार्षिक मेला भरता है वो बसंत पंचमी पर भरता है। और यहाँ पर मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है, ये सदार शहर से बाहर है बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और पूरा का पूरा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। और मंदिर जो ये है, यहाँ पर जगह जगह बहुत ही बढ़िया शिल्प और मूर्तिकला का काम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मंदिर के दीवारों के बाहर बनी जो ये सुंदर मूर्तियाँ हैं ये बहुत ही देखने लायक है। और ये है यहाँ पर एक गणेश जी या एक गज का मुंह है, बहुत ही बड़ा सा, जो ये शीशे में सही ढंग से नहीं आ रहा। और ये है इस मंदिर के निर्माता मूलचंद जी की मूर्ति। और मंदिर देखिए बाहर से कितना भव्य दिखाई दे रहा है। बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। बाबा के दर्शन करके हम आए बाहर, तो देखिए बाहर भी काफ़ी सारी दुकानें सजी हुई है, खाने पीने की भी है, बच्चों के खिलौनों की भी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर दुकानें थी आचार की, तरह तरह के आचार। मुझे लगता है दुनिया में जितने आचार होते हैं सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ये चेरी का आचार, सांगरी केर का, आंवले का, लहसुन का, कैरुंदा का, केरी का, तरह तरह के सारे अचार यहाँ पर मौजूद हैं, जो चाहो वो खरीद लो। लहसुन भी, अदरक भी, हरी मिर्ची भी, तरह तरह के अचार। सबसे नया अचार मैंने देखा यहाँ पर चेरी का अचार, और मैंने अचार नहीं खरीदा क्योंकि मेरे बच्चे अचार कम खाना पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, वो मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये एक झूमर की जोड़ी भी खरीदी, झुमका
बालों के कानों के लिए। तो मुझे काफ़ी देखने के बाद एक जोड़ी झुमके पसंद आए। ये देखिए कैसे लगे, आप कमेंट करके बताइए। और ये देखिए, ये खिलौनों की दुकानें सजी है। ये यहाँ पर आइसक्रीम भी, काफ़ी संख्या में भीड़ है। और ये आगे एक और आचार की दुकान आ गई। यहाँ लगभग सबसे ज़्यादा अगर दुकान में देखूँ तो आचार की। अब बस तो हमें जल्दी से मिले नहीं और हम बैठ गए टैक्सी में। और सरदार शहर में ही मेरी छोटी बहन रहती है, तो हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। यहाँ सरदार शहर से ही मैंने आज से 22 साल पहले बीएड की थी 2002-03 के सत्र में। तो मुझे ये सारी गलियाँ फिर याद आ गई। ये है राम मंच, जहाँ पर हम हर सप्ताह एक दिन आते थे और यहाँ पर हम प्रार्थना करते थे फहरो ज्ञान पताका। तो हमने तो ज्ञान पताका फहरा दी है, अब बच्चों की बारी है। और फिर आगे हम जा रहे हैं, तो रास्ते में ये सरदार शहर के भवनों के दृश्य हैं। फिर सारी यादें ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर हम पहले रह चुके होते हैं और फिर से उसी जगह जाते हैं। तो और थोड़ी दूर ही चले तो ये आ गया वो सर्किल। इस सर्किल से थोड़ी दूर चलते ही हमारा कॉलेज है, जहाँ पर मैंने बीएड की थी, गांधी विद्या मंदिर। और आगे चले तो ये आ गई यहाँ की गौशाला। ये भी गांधी विद्या मंदिर वाले जो हैं उन्हीं के सौजन्य से चलती है। ये मेला लग रहा है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी बहन के पास। तो यहाँ पर ये मेरी बहन, बच्चे, सभी हम। और यहाँ इन सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मन किया कि यहाँ आना चाहिए, तो थोड़ी देर धूप में आ गए। यहाँ पर गपशप करने के बाद हमने खाया पेट कर खाना। हम आ रहे थे तो इन्होंने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। हम आए थे आज इच्छा पूर्ण बालाजी के, और वहाँ से आगे भाई अपनी बहन से मिलने के लिए। तो ये है मेरी छोटी सिस्टर और ये है सनिया, मुझे सब लोग जानते ही होंगे। और ये है मेरा बेटा छोटा, जिसका नाम है सोनू। और अब हम आ रहे हैं वापस। तो ये है सरदार शहर का सफ़ेद घंटाघर। घंटाघर से होते हुए हम आ गए रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमने टिकट खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आकर थोड़ी देर ही ट्रेन का इंतज़ार किया था कि 6:15 के साथ ही ट्रेन आ गई थी। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है धड़धड़ाहट करती हुई। और ये ट्रेन बीकानेर से चलकर सरदार शहर में आकर खाली हो जाती है। फिर यहीं से ये फिर रवाना हो जाती है और रतनगढ़ में आकर रुक जाती है। तो हम बैठ गए, गाड़ी में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि ये यहीं से फिर रवाना होती है ट्रेन। तो हमें सीट ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पहली बार मैंने देखा कि गाड़ी में पानी की बोतल रखने के लिए ये इस तरह के छोटे छोटे बनाए हुए थे, हर सीट के पास तीन चार ये ऐसे, क्या कहूँ इनको, ये टंगे हुए थे, इनमें पानी की बोतल रख लो यात्रियों की सुविधा के लिए। और ये सरदार शहर का रेलवे स्टेशन। हम सरदार शहर को छोड़कर जा रहे हैं अपने शहर रतनगढ़ की तरफ। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, जैसे ही गेट खुलेगा तो ये निकलेंगे। ऊँटगाड़ा, राजस्थान का जहाज, आवारा पशु तो हर जगह देखने को मिल ही जाते हैं। कहीं पर भी देखो इनका तो जमावड़ा। और ट्रेन आगे जा रही है। ये है सरदार शहर की ज्ञानाणी। ज्ञानाणी मतलब पूरे शहर का गंदा पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है वो, तो काफ़ी दूर में फैला हुआ था ये गंदा पानी। एक जगह से निकले थोड़ी दूर ही तो आगे फिर मुझे यही ज्ञानाणी देखने को मिली। ये देखिए ये तो खेतों में ही प्रवेश कर गया गंदा पानी। यहाँ पर खेती कैसे होगी, बहुत दूर तक फैला हुआ भाई। ये देखिए, और ये शाम का समय और ये खेतों के, गांव के नज़ारे
पुराने जन्म दिनों की याद दिलाता था। जब हम बचपन में अपने ननिहाल जाते थे तो ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता था। ये देखिए, ये है बहुत पुराना कुआं। इसको देखकर लगता है कि ये लगभग कोई 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। इसकी बनावट को देखकर पानी खींचने का, और जो आगे देखिए यहाँ पर ये बकरियाँ चर रही है, कितना शानदार दृश्य है। बच्चे खेल रहे हैं बिना किसी भय के कि कोई खिड़की का कांच टूट जाएगा या कोई हमें। और आगे ये देखिए, जहाँ पर भी गाड़ी रुकती है इस तरह के कुएं मुझे देखने को मिले। ये देखिए एक और कुआं, इतनी ऊंची चिनाई जिसकी की हुई है, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार देखा मैंने ऐसा कुआं। आगे ये खदान मिट्टी की, जहाँ से लोग मिट्टी खोद खोद के ले जाते हैं। ये गांव का बाहरी दृश्य बहुत ही आकर्षक लग रहा है, जैसे देखते ही रहें बस। ये देखिए बड़ी लाइन जा रही है, ये एक और कोई गांव आया है। इस गांव की स्टेशन से निकलते ही फिर वही दृश्य, कितने शानदार। जाते समय तो हम बस में गए थे तो पता नहीं चला। और ये देखिए ये खेतों के नज़ारे, अभी बरसात हुई है तो हरियाली थोड़े दिनों में अच्छी हो जाएगी। अभी तो ये जहाँ पर ओवर ब्रिज हैं वहाँ पर इस तरह की ये टिन शेड लगाकर छावनी की हुई मैंने पहली बार देखी। ये देखिए एक और गांव आया, वहाँ पर भी इसी प्रकार से ये छावनी की हुई थी, क्यों की है ये मेरे को नहीं समझ में आई। और आगे हम चल रहे हैं तो देखो शाम हो चुकी है, लाइटें हो गई है और हम रतनगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। ट्रेन में भी लाइटें हो गई है और बाहर लगभग धुंधलका सा हो गया है। ये रतनगढ़ का है रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्र, जहाँ पर छोटी मोटी कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर काफ़ी कुछ बनता भी है। और अच्छा लगा रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्र को देखकर भी। और मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ कि कब घर पहुँचें, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा ही हो गया है लगभग। ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है घर पहुँचते पहुँचते। और अब हम आ गए हैं रतनगढ़ की रेलवे स्टेशन पर, रतनगढ़ जंक्शन है तो रतनगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं हम, जहाँ पर एक ये मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। ये मालगाड़ी बहुत लंबी, काफ़ी लंबी, मुझे लगता है ये कोई 2 किलोमीटर में इतनी लंबी। और हम आ गए हैं अपने स्टेशन पर। यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी और दिनों में होती है। तो हम गाड़ी से उतर रहे हैं, उतर कर हमने बाहर जाते हुए यहाँ पर हमें ये पुल क्रॉस करना है पहले। तो ये पुल है, दोनों तरफ जाली लगाई हुई है सुरक्षा के लिए। ये आ रहे हैं और हम अब दोनों ही जा रहे हैं साथ साथ। ये रेलवे पुल का दृश्य है, तो हम पुल से नीचे उतर चुके हैं और चलते चलते हमने फल फ्रूट सब्जियां भी खरीदी, ये तो भाई ज़रूरी है। और फिर हमने टैक्सी करी, टैक्सी से बैठकर घर आए। घर आकर अब खाना बनाऊंगी, नहाऊंगी धोऊंगी। मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जय श्री बालाजी महाराज।